जनता कर्फ्यू के बीच लोग कम से कम बाहर निकलें, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगा दी गई है। रेलवे ने पहले ही करीब 3700 ट्रेनों को एक दिन के लिए रद्द कर दिया है। दिल्ली समेत कई शहरों में मेट्रो पर भी ब्रेक लग गया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की सरकारों ने बस के पहिए भी जाम कर दिए हैं। दिल्ली में आज 50% बसें ही चलेंगी। यूपी में भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। नोएडा में आज सभी फैक्ट्रियों, कंपनियों, रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया गया है। उत्तराखंड में भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निगम की बसें नहीं चलेंगी। बाहर से आने वाली बसों पर भी पाबंदी होगी। कोरोना के डर से झारखंड में इंटर स्टेट बस सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी रात 12 बजे से 31 मार्च तक इंटर स्टेट बस सेवा पर रोक है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद में लोकल ट्रेन सिर्फ बहुत जरूरी रूट पर ही चलेंगी। मैं आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज का दिन आपके लिए कोरोना से जंग की परीक्षा का दिन है। इसे सफल बनाने के लिए आपको खुद को घर में रखना होगा, ताकि कोरोना के कदम बाहर से आपके घर तक न पहुंचे। आज तक ब्यूरो।